49 मिलियन एड डेली दे रहे हैं, यूजर देख रहे हैं। तो जब एलेक्सा रैंकिंग की बात आती है तो वहां पे तो 50-60 हजार ही विजिट कर रहे हैं डेली के, फिर ऐसे कैसे हो सकता है सर? 49 मिलियन एक मेल, सर मेल का आंसर टेलीग्राम ग्रुपों में आता रहता है। बताइए कहाँ मेल है, थोड़ा मुझे भी तो बताइए सर। मैं सर मैं इसी ग्रुप में डाल देता हूँ निकाल के। डालिए। तो एलेक्सा रैंकिंग में तो 50-60 हजार ही लोग डेली विजिट कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा आप वो मुझे दिखाए ना सर, तब ना हम बताए वो क्या है। जो मेल का आंसर सर, हाँ, जो जिसको देख करके आप बोल रहे हैं ये बात, वो चीज़ें मुझे भी तो दिखाइए आप सर। मैंने आपको हाय बोला है, आप वहाँ पर भेजिए। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ आपके पास। हाँ भेजिए। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन मैम। अंशु जी, अंशु जाइए सर। आप आवाज आ जी, कंटिन्यू। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले जो बोर्ड बने थे ना सबके, कंटिन्यू सर, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर किसी का वॉलेट नहीं बना हो तो भविष्य में जो इनकम आएगी मतलब आ सकती है कि नहीं आ सकती है बगैर वॉलेट के? वॉलेट झाका का वॉलेट की बात कर रहे हैं सर? जी सर, जो वॉलेट माने वॉलेट बना, जिस दिन हम लोगों को गिफ्टेड कॉइन मिलेगा ना, उस दिन उनको वॉलेट बना सकते हैं, वॉलेट बना के अपना कॉइन ले सकते हैं। अगर कॉइन नहीं लेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा, उनको अगर गिफ्टेड कॉइन मिला है तो ले लेना होगा। अच्छा, अगर बगैर कॉइन के नहीं मिलेगा वॉलेट? सर वॉलेट बन रहा है, बना लें आप। नेक्स्ट पर्सन मैम। अखिलेश कुमार जी आप आइए और नीलेश पटेल जी आप भी आइए। हेलो, नमस्कार। अखिलेश जी पहले आप बोलिए। नमस्कार मैडम। सर वेबसाइट ना अभी चेंज नहीं हुआ है, उसका क्या है? बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए पहले। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जाल लाइफ स्टाइल में पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस कैसे डालेंगे? प्रेम सागर जी। जी आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, और ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद आज आप मीटिंग में आए हैं। इसके रिगार्डिंग दो दो वीडियो भी डाला हुआ है, और मैं कई बार लाइव भी मीटिंग में भी मैंने बताया है। सबसे पहले आप जाइएगा, जो 20 यूरो का पैकेज है एक्टिवेशन में जाइएगा, पैकेज में जाइएगा। पैकेज में जाने के बाद 20 यूरो का पैकेज दिखेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो वहां पे एड्रेस मांगेगा, एड्रेस वहाँ डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रोफाइल में आपको शो करने लगेगा एड्रेस है। नेक्स्ट पर्सन मैम। हेलो जी सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यूके से यूएस से चली गई है तो उसकी वेबसाइट में क्यों एड्रेस चेंज नहीं हुआ है? सर यूएस चली गई है तो यूके में भी तो ऑफिस है। कहाँ है वो? तो ट्रैकऑफ लिखा है ना उसमें, वो तो बंद हो गई। क्या लिखा हुआ है? ट्रैकऑफ लिखा है उसमें। आप कंपनी को मेल कीजिए, आपको सही रिप्लाई आएगा सर। ठीक है सर, सही रिप्लाई नहीं आया इसीलिए मैं आपसे। क्या रिप्लाई आया मुझे भी बताइए। उसने बोला है कि वेट करना था, दूसरा कुछ नहीं है। पहले तो कंपनी को ये क्लियर कर देना पड़ेगा ना, उसके बाद पेमेंट दे ना दे उसके बाद की बात है, लेकिन उसको पहले यह क्लियर करवाना पड़ेगा ना सर। मुझे आप बताएं मेल का रिप्लाई क्या आया, मुझे बताएं आप। कुछ नहीं आया उसमें।
फिर तो पैटर्न कैसे बोल रहे हैं आप? मेल कीजिए, मेल का रिप्लाई आएगा, नहीं होगा तो मैं भी मेल करूंगा और आपका बात पूछूंगा। ओके, आपके पास जवाब है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। क्या बोले? आपके पास जवाब है कि नहीं? मेल तो मैंने भेजा ही। तो मैं गलत जवाब दे दूं आपको? बोलिए, मेरे पास 10 जवाब है सर, तो मैं गलत जवाब दे दूं आपको? मैं ये बोल रहा हूँ, आप मोटिवेशन की बात भी ज्यादा कर रहे हो, शेयर्स की बात कर रहे हो। जब कंपनी यूके में स्ट्राइक ऑफ का मतलब है बंद हो गई है, तो यूएसए में चली गई है, तो उसको पहले वेबसाइट में वो क्लियर कर देना पड़ेगा। तो मैंने सर क्या बोला कि आप एक बार कंपनी से पूछ लीजिए, मैं भी एक बार कंपनी से पूछूंगा। सर बहस करने का इसमें कोई मसला ही नहीं है। मैं क्या बोला, आप डायरेक्ट कंपनी को मिल कीजिए, आपको सही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? और नहीं तो आप वेट, मैं मेल करूंगा तो आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है? हम कोशिश यही करते हैं सर कि आपको सही जवाब दे, गलत जवाब हम क्यों दें आपको? जैसे अभी एक पर्सन बोल रहे थे कि 10 मई को 5 सेंट हो जाएगा, पता नहीं उनको कौन बोल दिए कि 5 सेंट हो जाएगा धागा का रेट। तो ये कोई डेट निश्चित नहीं है, ये बताया नहीं जा सकता कि कब क्या होगा, समझ गए? तो हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं, बस इसीलिए बोले आप कंपनी को मेल करें। ओके, नेक्स्ट पर्सन मैम। सुप्रिया जी आप आइए सर, महेंद्र सिंह जी आप। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आप कंटिन्यू। मेरा एक बात, हेलो, जो कंपनी, हेलो महेंद्र जी, मैम आप गलत करते हैं, एक बार में दो लोगों का म्यूट क्यों करते हैं आप? सर एक ने बोला नहीं तब दूसरे को किया, दोनों इकट्ठे बोलने लगे। आपका आवाज नहीं आ रहा मैम। हेलो जी, बताएं सर। मैं महेंद्र सिंह गौतम बोल रहा हूँ जी, बताइए। अच्छा, मेरे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये झका का जो बॉयलेट जो बनवाया आपने, तो उसमें जो पासवर्ड जो डाला था, पासवर्ड डालते डालते जब वो आगे आ गया वो, तो उसमें अब मेरा क्रेडेंशियल वो दिखा रहा है क्या? अब मेल नहीं खा रहा कुछ? क्या मेल नहीं खा रहा है इसमें? फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए। हैं? फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए सर, आपके मेल पे मेल आ जाएगा, जहाँ से आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर खोलिएगा खुल जाएगा। तो वो कर लिया, कुछ नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा, देखो काफी 8-7 दिन हो गए ये करते करते, हुआ ही नहीं है। पहले भी मेल डाल दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी बात हुई थी तब भी वो कह रहे थे कि मेल आ जाएगा। झाका को मेल किए हैं? क्या नाम बताया? सपोर्ट झाका को मेल किए हैं आप? जालाइप स्टाइल को नहीं, सपोर्ट बात, आप झाका की बात कर रहे हैं मेरे से? आप किस चीज का बात कर रहे हैं मेरे से? झाका के बारे में ना? एक मिनट लो, इनसे बात करो। हाँ जी बताइए। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए सर। सर ये मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा पास में आकर बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। काका वो बनाया कौन सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए सर। ऐसा है, इनका वॉलेट बनाया था जाका का, तो उसमें सर दूसरा पासवर्ड डाला था, तो दूसरा पासवर्ड नहीं नहीं भूल नहीं गए सर, उसी पासवर्ड को इन्होंने पहले जो पासवर्ड इसका था जाला स्टाइल का, जिससे लॉगिन करते थे, ऐड देखते थे, तो इन्होंने गलती से वो ऐड डाल दिया पासवर्ड उसमें,
उससे अब वो आए, अब नहीं खुल रहा है दोबारा। पहले खुलता था जी। हाँ।